सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब कलयुग का अंत आएगा तो गिरिराज जी पृथ्वी के अंदर समा चुके होंगे। आपको पता है गिरिराज जी रोज कम होते चले जा रहे हैं। कलयुग के अंत में ये तीर्थ, ये वेद, ये पुराण, ये तीर्थ सब विलुप्त हो जाएंगे, कुछ ना रहेगा, सिर्फ पाप चारों तरफ दिखेगा, केवल पाप। जब कलयुग का अंत आएगा तो पाप ही पाप नजर आएगा। कहीं करोड़ों में कोई इक्का दुक्का धर्म की बातें कर रहा होगा, बस उन्हीं कुछ लोगों के बल पर धर्म टिका होगा। उन्हीं में से कुछ धर्मात्माओं के घर, एक ब्राह्मण के घर कल की भगवान प्रकट होंगे, संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ। और फिर वो उस समय बड़ा अत्याचार होगा, अनाचार होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, जिसके पास बल है बस वही बलशाली है, वही लोगों को सताएगा, परेशान करेगा। बेटा अपने बाप को मारेगा, बेटा अपनी माँ पर हाथ उठाएगा, आदमी आदमी को पका कर खाएगा, जैसे आज आदमी गायों को चौराहे पर काट के खाते हैं, ऐसे इंसानों को खाना शुरू हो जाएगा। कलयुग का अंत बड़ा भयंकर होता है। हम लोग तो अच्छे हैं कि हमने ऐसे समय पर जन्म लिया है कि हमारे समय में वृंदावन भी हैं और गिरिराज जी भी हैं और भगवान की कथा भी है। ये इस कलयुग का सतयुग चल रहा है, ये कलयुग का सतयुग है। कलयुग का जब कलयुग आएगा तब भयंकर विनाश होगा, अर्थात बहुत बुद्धि भ्रष्ट होगी लोगों की, सिवाय अनाचार अत्याचार अन्याय के कुछ ना होगा, आदमी निर्दयी हो जाएगा। आज ही आदमी निर्दयी हो गया है। मैं आपसे कहूं कि जाओ किसी का गला काट दो, आप नहीं काट सकते, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं दया है। लेकिन आज भी कितने लोग निर्दयी हैं, गला काट देते हैं। अभी घटना आप लोगों ने सुनी है, ताजी ताजी, लोग गला काट देते हैं। क्या है ये? यही तो निर्दयता है। आने वाले समय में ये बातें आम हो जाएंगी, यही घोर। और अभी तो केवल कोई अपने अपमान के लिए गला काट रहा है तो कोई सम्मान के लिए, फिर तो आदमी को खाने के लिए गला काटा जाएगा कि तुम्हें पका के खाना है इसलिए गला काट रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है ना। ये पृथ्वी बंजर हो जाएगी, ना गेहूं हुआ करेगा ना चावल हुआ करेगा, पृथ्वी बंजर होती चली जाएगी। ये पृथ्वी माँ भी हमें अनाज देना बंद कर देगी, अत्याचार बढ़ जाएगा, पापाचार बढ़ जाएगा, पानी को तरसेंगे लोग। अभी ये सब चीजें, अभी भी इसका थोड़ा थोड़ा सब चीजें देखने को मिल रहा है। कई शहरों में पानी की एक एक बूंद को लोग तरस रहे हैं। फिर तो पानी अभी 20 रुपए लीटर पानी है, अभी कितने रुपए लीटर पानी है? सामान्य पानी 20 रुपए लीटर है, एयरपोर्ट वगैरह में तो 70-80 रुपए लीटर मिलता है पानी, हाँ या ना? पानी अभी सामान्य पानी 20 रुपए लीटर है, एयरपोर्ट इत्यादि में 50-70 रुपए 80 रुपए की भी बोतल मिल रही है एक लीटर पानी। तो आज ही पानी 20 रुपए है, आने वाले समय में पानी इतना महंगा हो जाएगा कि आप लड़ेंगे आपस में पानी के लिए। जैसे अभी बड़े बड़े शहरों में माताएं बाल पकड़ के खींच के, चल मेरा नंबर आ गया, मैं भरूंगी पानी। वो घटनाएं सामान्य हो जाएंगी। पानी के लिए लोग मरेंगे, तरसेंगे, तड़पेंगे, प्यास से लोग मर रहे होंगे, पानी नहीं होगा। इसलिए कहता हूं पानी बचाया करो, आने वाली कुछ पीढ़ियों को तो पानी मिल जाए। वाटर हार्वेस्टिंग कराना चाहिए सबको अपने घरों में, छत का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जल बचाएं, पानी को बचाएं, वृक्ष लगाएं। आने वाला वक्त
गंगा यमुना ये सारी नदियाँ सिकुड़ती चली जा रही हैं। पहले गंगा का विस्तार कितना था, आज सीमित हो गई, धीरे धीरे घट रही हैं, धीरे धीरे करके सब लुप्त होने की स्थिति चल रही है। अभी तो आप लोग हनुमान चालीसा बोल लेते हैं, कलयुग के अंत में हनुमान चालीसा कोई करोड़ दो करोड़ लोगों में कोई एक आदमी जानता होगा कि हनुमान चालीसा क्या होता है। अभी के बच्चे नहीं जानते हनुमान चालीसा क्या होता है, रामायण क्या है, सुंदरकांड क्या, राम कौन, कृष्ण कौन, कोई नहीं जानेगा। धर्म कर्म बिल्कुल नष्ट हो चुका होगा, पाप बढ़ चुका होगा, ये कलयुग का अंत। तब कल की भगवान प्रकट होंगे, पापियों का नाश करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करते ही फिर सतयुग का आगाज होगा, सतयुग आ जाएगा, वो फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ऐसा क्रम चलता। तो अभी हम कलयुग के सतयुग में हैं, अभी वृंदावन है, गिरिराज जी हैं, कामतना कामतानाथ जी हैं, अभी गोवर्धन है, गोकुल है, नंदगांव है, सब कुछ है ना।